नमस्कार दोस्तों, जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने इस चैनल के ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लाते हैं जो आपके बहुत ही काम के होते हैं। बिहार के कृषि मंत्री ने इस्तीफा के बाद से राजद में हलचल तेज हो गई है। इस्तीफे के बाद अब सुधांकर सिंह को मनाने की सारी कवायद की जा रही है। राजद के वरिष्ठ नेता सुधांकर सिंह से बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव भाई अरुण ने सुधाकर सिंह से इस्तीफा वापस लेने की मांग की है। उन्होंने सुधाकर सिंह के इस्तीफे पर कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या के लिए उन्हें पार्टी में संपर्क करना चाहिए था, न कि इस्तीफा देना चाहिए। राजद के प्रदेश महासचिव भाई अरुण ने सुधांकर सिंह से बात की और इस्तीफा वापस लेने का अनुरोध किया। प्रदेश महासचिव भाई अरुण ने तेजस्वी यादव से इस्तीफा मंजूर करने की अपील की। राजद के वरिष्ठ नेता लगातार कृषि मंत्री सुधाकर सिंह से इस्तीफा वापस लेने की बात कर रहे हैं। रविवार सुबह करीब 11 बजे बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने तेजस्वी यादव को अपना इस्तीफा सौंपा था। बीते दिनों से अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहने वाले मंत्री सुधाकर सिंह ने रविवार को तेजस्वी यादव को अपना इस्तीफा सौंपा। कई दिनों से चल रही इस तकरार का अंत सुधाकर सिंह के इस्तीफे से हुआ। बीते दिनों मुख्यमंत्री ने सुधाकर सिंह से बात करने की कोशिश की, लेकिन सुधाकर सिंह कैबिनेट की मीटिंग से उठकर चले गए थे। इससे पहले खुले मन से कृषि मंत्री ने विवादित बयान दिया था कि विभाग के अफसर और कर्मचारी चोर हैं और वो चोरों के सरदार। दोस्तों, इस तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए हम ला सकें। धन्यवाद।